नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 47 में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 6 दिन में सबसे बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 68,766 मरीज आए सामने। 817 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 36,87,000 के पार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जेईई परीक्षा आज से शुरू। मास्क और ग्लव्स पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचे छात्र। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परीक्षा केंद्र में बनाए गए थे गोल घेरे। बाइक से 100 किलोमीटर तक की सफर तय करके पहुंचे कुछ छात्र। लद्दाख में चीनी घुसपैठ से बड़े तनाव। NS अजीत डोगराल ने हालात का लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बुला सकते हैं एक और हाई लेवल की बैठक। दोनों देश के आर्मी ऑफिसरों के बीच हो रही है बातचीत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफिल खान की रिहाई का दिया आदेश। अलीगढ़ के DM ने नफरत फैलाने के केस पर लगाया था रसूख। 6 महीने से मथुरा की जेल में थे काफिल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटे CM शिवराज। BJP सरकार ने किया ऐलान, आज से हर गरीब को मिलेगा 1 रुपए किलो गेहूँ, चावल और नमक। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच बोले बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी। बिहार में कोई भी दल अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। बिहार में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के दावे लगातार जारी। OBC के बाद मुस्लिम लीग सीमांचल में चुनाव लड़ने की तैयारी में। मुस्लिम लीग 13 सीट पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामराज से की मोदी सरकार की तुलना। विपक्ष को बताया नकारात्मक, कहा आजादी के बाद जो राजनीति चल रही थी वह सत्ता केंद्रित और जात पर आधारित। आम जनता और कॉर्पोरेटरों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है अच्छी खबर। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है लोन मॉरेटोरियम। बुधवार को होगी सुनवाई। लद्दाख बॉर्डर पर बढ़ रहा है तनाव। भारत चीन ने तैनात किए टैंक काला टॉप हिल पर सेना में उस्ताद। पाइनविंग झील क्षेत्र में हुई घटना के बाद बातचीत जारी। इंग्लैंड में खुले स्कूल कॉलेज। वैश्विक महामारी के चलते बंद थे स्कूल कॉलेज। सरकार ने छात्रों को स्कूल जाने के लिए साइकिल या स्कूटर का प्रयोग के लिए किया प्रोत्साहित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की तारीफ। शिंजो को बताया जापान का महानतम प्रधानमंत्री। अमेरिका और जापान के रिश्ते मजबूत बनाने में निभाई अहम भूमिका। पिंगोंग से खदेड़ा तो चीन ने दी धमकी, का 1962 से भी ज्यादा तबाह होगा भारत। 30 अगस्त की रात चीन के घुसपैठ की कोशिश को भारत ने किया था नाकाम। बाढ़ के कारण पाकिस्तान का हाल हुआ बेहाल। पाकिस्तान में बाढ़ के चलते अब तक 137 लोगों की हो चुकी है मौत। कराची में 4 दिनों से गायब है बिजली। सरकार की तरफ से लोगों को नहीं मिल रही कोई भी मदद। एडजस्ट ग्रोसी रिवेन्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत। AGR बकाया चुकाने के लिए मिले 10 साल का वक्त। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने AGR चुकाने के लिए मांगे थे 15 साल का समय। देखिए दूसरे दिन फिर पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 82.08 रुपए हुआ पेट्रोल। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल के दाम 1.65 रुपए का हुआ बढ़ोतरी। डीजल में कीमत की पिछले 31 दिनों में नहीं हुई कोई भी बढ़ोतरी। इंडियन प्रीमियर लीग में RCB में एंडम चंपा को मिली एंट्री। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स रिचर्डसन की जगह लेंगे स्पिनर एंडम चंपा, टीम में हुए शामिल। सुशांत केस में रिया के पेरेंट्स से CBI कर रही है सवाल जवाब। रिया के पेरेंट्स समेत 8 लोगों से कर रही है पूछताछ CBI। ड्रग्स मामले में ED की भी जांच जारी। निया शर्मा बनी खतरों खिलाड़ी, 11वें सीजन की विजेता। शो के टास्क मास्टर रोहित शेट्टी के साथ ट्रॉफी लेकर शेयर की फोटो।